नमस्कार। आज मैं बहुत एक्साइटेड हाँ, वैसे तो हाँ प्राउड टू बी इंडियन, लेकिन असि आज पूरे पंजाब की एक रेसिपी लैके, और मैं पंजाब की रहने वाली हाँ, तो एक पंजाब की ऐसी रेसिपी लैके जो मेरी दादी नानी बनाया कर दिया सन, उन्होंने ही एक रेसिपी लैके तुहाडे नाल सांझा करन लगी हाँ। तो अमूल का मैं लिए बहुत ही थैंक यू करना चाहनी हाँ। हेलो एवरीवन, आई एम शेफ नीलू कौड़ा फ्रॉम लुधियाना, फाउंडर ऑफ शेफ कला। आज तुसी साडी एंट्री कुछ डिफरेंट स्टाइल में देखी होनी, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हाँ। आज थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी चलेगी, पंजाबी विरसे का असं अच्छ लैके आए हैं। पूरा साडा जिहड़ा सीरीज चल रहा, जिन्हें भी शेफ्स लैके आए थे, आज पूरा पंजाब की रेसिपीज लैके आए थे, और बहुत अच्छा लगता है कि अमोल का मैं तहे दिल नाल धन्यवाद करना चाहती कि इन्नी अच्छी अच्छी असी रेसिपीज थोड़े सारे ना शेयर कर पाते हैं, तो सारे के घर तक असं पहुँच पाने। अज की जी मैं रेसिपी थोड़े लेके आ रही हूँ, पंजाबी गल करिए या हिंदी गल करिए? एयरप्लेन नहीं किया तो हाँ, एयरप्लेन। चलो जी, अच्छे से शुरू करते हैं अपनी रसोई दे विच। पूरी सारे व्यूअर्स आपको कह रहे हैं कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं पंजाब के। अज ना पूरे अस कह रहे हैं ना, चक देने ने फटे, तो हिसाब सा चल रहा है पूरी साड़ी रसोई दे विच। अज की जी मेरी एक रेसिपी है, असं चल लैके आ रहे हैं पंजाबी फुलकारी बिरयानी। जिस तरह तुम देखते हो कि तुम सबन पता है कि पूरी पंजाब दे विच फुलकारी बहुत ही फेमस है, और बहुत ही मान सम्मान नाल उन्हों लिया जाता है, और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही असं जिन्हें भी साढ़े ट्रैडिशनल त्यौहार होंगे ने, असं असी ओढ़नी अपनी ओढ़ते हाँ। लेकिन जिहड़ी राइस के उपर मैं एक डिश लैके आ रही हाँ तुहाडे नाल, तुसीं वैसे पंजाबी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी सुनी होएगी, बहुत ही तरह की दम बिरयानी सुनी होएगी, लेकिन अज की जिहड़ी मेरी बिरयानी है फुलकारी बिरयानी, उहदे विच असीं बड़े प्यार नाल उहदे उपर जिहड़ी प्रेजेंटेशन करांगे, पूरे फुल्लां दे नाल असीं उहनूं सजाउणा। फुल भी असीं कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं लैके आ रहे, पूरे ही असीं उहदे नाल असीं खुद बनावांगे। फ्लावर्स वैजीटेबल्स के नाल उहदे नाल फ्लावर रहेंगे, और असीं लैके आ रहे तुहाडे नाल मक्की। तो यह चीज़ा तो अच्छ हम रह गए। अच्छ जी मैं थोड़े पहले डिश साझी कर जा रही हूँ, राइस फुलकारी बिरयानी। वो मैं थोड़े पहले सारे अपनी करना चाहवागी। राइस मैं पहले बना के रखे हुए हैं, आप देख सकते हो राइस हमने जीरा राइस बना के रखे हुए हैं। पूरे इसको हमने वड़ियों के साथ और खड़े मसालों के साथ बनाया हुआ है इसको, राइस को, जीरा राइस को। इसमें हमारी जाएंगी वेजिटेबल्स, आप अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स भी ले सकते हो। इसमें हमारे जा रहे हैं मटर, इसमें हमने डाली है गोभी, कैरेट और फलियां इसमें डाली हुई हैं। असी ये विच पंजाब का इस तरह भुट्टा बड़ा फेमस है, असी छली के दाने तुसी कह सकते हो, कॉर्न असी वो भी ये यूज़ करन वाले हैं, कॉर्न ये साढ़े यूज होंगे, तो ना साढ़े असी बनावांगे असी ग्रेवी। तो चलो असी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा गल्लां नहीं करांगे, गल्लां करांगे लेकिन नाल नाल तुहाडे सारे नाल साडियां गल्लां भी रहणगियां, नाल नाल साडी रेसिपी भी चलेगी, तुहाडे सारयां दे क्वेश्चंस दे आंसर्स भी दिते जाणगे। सब तो पहला असीं अपनी गैस ऑन कर देंगे। प्रणब जी पूछ रहे हैं फुलकारी का मतलब बताइए, मतलब आई थिंक ही इज फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, तो उन्हें पता नहीं होगा। एक्चुअली फुलकारी में तो हमने तो ओढ़ के ही आई सी थी, तो मैं दिखा भी देनी हूँ। साढ़े पूरे पंजाब का मान मनिया जाता है, पूरी काफ़ी वड्डी ओढ़नी होंगी, जिस तरह तुम दुशाला कह सकते हो, कई जगह तो तुम ओढ़नी ओढ़ते हो, तो वो भी साड़ी है पूरा जो मान सम्मान ट्रेडिशनल त्यौहारों के असं ओढ़ते हैं। यह देख सकते हो पूरी फुलों न ओढ़नी साड़ी हैगी है, इसको हम कहते हैं फुलकारी, ये एक तरह से ओढ़नी है। तो इसी जैसे इसमें बड़े कलरफुल से फ्लावर्स हैं, वैसे ही हम अपनी बिरयानी में आज फ्लावर्स बनाने वाले हैं। हमने तेल को गर्म करना रख दिया है,
क्योंकि असं पंजाबी स्टाइल नाल बना रहे हैं। पंजाब बड़ियां तो साढ़िया दी अमृतसर दी बड़ियां कह लो, अमृतसरे दे पापड़ वे मैं खांदी ना, पूरी अमृतसर साड़ी बड़ियां दे विच नाल जान लगियां ने। अगर आप लोग पंजाबी में कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं हिंदी में भी बात कर सकते हो, जैसे व्यूअर्स चाहेंगे। राइस हमारे बने हुए हैं तो राइस के लिए अभी हम थोड़ी देर बाद इसमें उठाएंगे, यहाँ से मैंने आपको दिखाना था। यहाँ पे इसमें हमारी वेजिटेबल्स जाएंगी ग्रेवी में, थोड़ी सी हमारी जैसे बड़ी गर्म हो जाएगी, साथ ही हम इसमें लेंगे, ये मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया हुआ है, उसमें हमने एक हरी मिर्च और अदरक लहसुन को सिंपल मिक्सी में चर्न कर लिया और उसका एक पेस्ट बना लिया। राइस हमारे यहाँ पर रेडी है, हमने यहाँ पर सिर्फ एक ग्रेवी बनानी है और ग्रेवी भी हमने पूरे पंजाबी फ्लेवर्स के साथ बनाएंगे। ग्रेवी को थोड़े से मसाले हम उसमें ऐसे यूज करने वाले हैं और साथ में इसके हमारे रहेगा, जैसे जैसे हमारी ग्रेवी रेडी होगी साथ ही हम अपनी मक्की की आटा रेडी कर लेंगे, जिसके हमने मक्की की रोटी के लड्डू बनाने हैं। वो मेरी 5-10 मिनट्स की रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाएगी। आई थिंक एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल हिंदी में, हिंदी में कंफर्टेबल। ओके, और आप वड़ियों के बारे में बता दो, कई लोगों को आई थिंक वड़ियों का भी नहीं पता। एक्चुअली दाल की बड़ी होती है, मसाला बड़ी, इसमें सारे मसाले डले होते हैं और ये पूरी आप देख सकते हो, इसको दाल को पीस के सुखा के उसको बनाया जाता है, धूप में सुखा के बड़ियों को बनाया जाता है। पूरे इसमें खड़े मसाले डाले, जैसे इसमें सूखा धनिया, जीरा पाव और सारी चीज़ें डाल के कूट के इसके साथ डाली जाती हैं, दाल के साथ इसको पीसा जाता है, फिर उसको धूप में सुखाया जाता है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा ही हमने अपने प्याज को भूनना है, जैसे हमारे प्याज थोड़े से भुन जाएंगे, जैसे मुझे फ्लेवर आना शुरू हो गया, तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है, आप देख सकते हैं हमने 6-7 टमाटर को चीरा दे लिया था, हल्का हल्का उसको चीरा देने के बाद हमने उसको मिक्सी में चर्न कर लिया और उसका छिलका उसकी स्किन उतार दी थी। ये हमारी बन रही है ग्रेवी, हम चावलों के साथ ग्रेवी बनाने वाले हैं, डिफरेंट थोड़ी सी लेकिन चटपटी मज़ेदार, और पूरी खड़े मसालों के साथ बनाने वाले हैं, क्योंकि राइस में भी मैंने खड़े मसाले यूज़ किए हुए हैं, तेजपत्ता, दालचीनी, मोटी इलायची। अमूल का हम इसमें पनीर यूज़ करने वाले हैं, या आप देख सकते हैं अमूल का हम इसमें पनीर यूज़ करेंगे, देसी घी अमूल का हम इसमें यूज करने वाले हैं। अब हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपने सॉल्ट सिर्फ ग्रेवी के हिसाब से डालना है, क्योंकि हमने सॉल्ट ऑलरेडी राइस में भी डाला हुआ है। देगी मिर्च, अ पिंच ऑफ हल्दी, अ पिंच डालनी है इसमें, हल्दी हमने बहुत ज्यादा नहीं डालनी है। मेरे दादी कहते होते थे कि किसी भी सब्जी में अगर जैसे हम हल्दी डाल देते हैं तो एक शगुन हो जाता है। सूखा धनिया पाउडर, काली मिर्च पिसी हुई, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो चीजें। इसमें मैंने आपको बताया था हमने गोभी ली हुई है, मटर लिए हुए हैं, कैरेट है, इनको हमने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, छोटे छोटे पीसेस में काटा हुआ है, बॉईल किया हुआ है हमने। लेकिन हम इसमें शिमला मिर्च भी डालने वाले हैं, शिमला मिर्च को हमने ऐसे चॉप किया हुआ है, शिमला मिर्च को हमने उसके साथ बॉईल नहीं किया है, क्योंकि शिमला मिर्च हम ऐसे ही डालेंगे एज इट इज उसको। रिंकू जी पूछ रहे कि आपने टोमेटो के सीड्स यूज किए हैं।
हाँ जी मैंने इसको छाना नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। आप इसमें किचन किंग मसाला भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कस्तूरी मेथी थोड़ी सी क्रश करके। आई होप व्यूवर्स एंजॉय कर रहे हैं हमारी रेसिपी को। यस दे आर आई गेस समथिंग डिफरेंट इजी सिंपल बहुत सिंपल बनने वाली है हमारी ये रेसिपी। जैसे हमारी थोड़ी सी ग्रेवी पकनी शुरू हो जाएगी तो हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स डाल देंगे। वेजिटेबल्स डालने के साथ हम इसमें थोड़ी सी टोमेटो सॉस भी यूज करेंगे। हमने इसमें कॉर्न इसी में मिक्स कर रही हूँ वेजिटेबल्स जो हमने बॉईल की हुई थी, क्योंकि कॉर्न मैंने फ्रोजन लिए हुए हैं इसमें, मकई के दाने, तो इसको हम एज इट इज डाल देंगे इसमें। जैसे हम इसमें वेजिटेबल्स वगैरह सब डाल देंगे तो उसके बाद हम इसको एक साइड पे कर देंगे। उसके बाद हम अपनी मक्की की रोटी की लड्डू की तैयारी करेंगे। ये अब मैं इसमें डाल दूंगी अभी शिमला मिर्च भी, किसी की कोई क्वेरीज? देयर नो क्वेरीज, सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं रेसिपी को। थैंक यू। जो मैं यहाँ पर मक्की की रोटी की लड्डू बनाने वाली हूँ, बड़े देसी स्टाइल में बनने वाले हैं। बहुत सारा उसमें घी, देसी घी जाने वाला है, मक्की की आटा इसमें डालने वाला है, शक्कर इसमें जाने वाली है और बहुत सारा ड्राई फ्रूट उसमें जाने वाला है। तो उसको हमने पूरा प्रेजेंटेशन भी जो हम आज करेंगे, आज हमारी कोई फैंसी प्रेजेंटेशन नहीं रहेगी, लेकिन आज हमारी ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन रहेगी इसमें। जैसे आपके बच्चे वगैरह अगर बड़ियां नहीं खाते हैं तो आप बड़ियों का थोड़ा सा फ्लेवर डाल के बाद में इसको निकाल भी सकते हो, नहीं तो आप छोटी सी एक मस्लिन क्लॉथ में बड़ी को डाल के कूट के उसमें थोड़ा सा फ्लेवर देने के साथ डाल के बाद में वो पोटली बाहर भी निकाल सकते हो। कई बच्चे ऐसे आज नहीं खाते हैं, थोड़ा उनको तीखापन लगता है, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी टोमेटो केचप। जैसे ही हमारी ये रेडी होने लगेगी ग्रेवी, तो हम इसमें लास्ट में थोड़ी सी ऊपर से अमूल फ्रेश क्रीम डालेंगे। आई थिंक हमारी ये थोड़ी थोड़ी थिक हो रही है, तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी वेजिटेबल्स। बहुत सारी वेजिटेबल्स चाहिए मुझे इसमें। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं ये हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है। अभी हम इनको अच्छी तरह से पकने देंगे ताकि सारे मसाले, सारी इसमें ग्रेवी अच्छी तरह से वेजिटेबल्स में एब्जॉर्ब हो जाए। चलो हमारे चपते की ग्रेवी बनती है, हम इसको साइड पे कर देंगे। ये चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगी साथ साथ। अभी ये हमारे प्रेजेंटेशन के लिए रहेंगी, इनके हमने फूल बनाने वाले हैं इनसे। ये हमने अनियंस को कैरमलाइज करके रखा हुआ है, बहुत बारीक काट के, लंबे लंबे इनको काट के हमने इनको कैरमलाइज किया हुआ है। ये हमने अमूल पनीर लिया हुआ है, ये हमने प्याज के ही लच्छे बनाए हुए हैं, धनिया है यहाँ पर, मकई के दाने हैं और हमने ये मटर बॉयल किए हुए हैं। इनसे हम फूल बनाएंगे इनके। अब हम अपनी ग्रेवी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, गैस स्विच ऑफ कर देते हैं इधर वाले। तो अब हम करेंगे तैयारी अपनी मक्के की रोटी की तरफ चलेंगे अब हम।
इसको अच्छे से पकने देंगे। ज्योति जी पूछ रहे हैं कि टोमेटो के कारण ज़्यादा खट्टा नहीं हो जाएगा, इसके कारण टोमेटो के कारण ज़्यादा खट्टा तो नहीं हो जाएगा ग्रेवी, क्योंकि मैम इसमें राइस डालने वाले हैं और बहुत सारे वेजिटेबल्स हमने डाले हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं इसमें कोई खट्टे हो जाएंगे, इसीलिए हमने थोड़ा बैलेंस करने के लिए इसमें टोमेटो सॉस भी डाली है, थोड़ा सा अगर आप इसमें शुगर भी इसमें यूज़ कर सकते हो, इसीलिए हमने इसमें टोमेटो सॉस डाली थी, क्योंकि राइस के साथ है, राइस में इसमें आप जैसे ग्रेवी वाली कोई भी वेजिटेबल्स खाते हो, सब्जी खाते हो, तो वो इसमें वो चीज़ आ जाएगी साथ ही। चलो अब हम लेते हैं अपनी परात। और मनीषा जी पूछ रहे हैं कि आपने अनियंस को कैरमलाइज कैसे किया। वो भी मैं अभी बताती हूँ, हमने अनियंस को काट के थोड़ी देर उसको ड्राई करने के लिए रख दिया था, उसका मॉइस्चर हमने निकाल दिया, उसके बाद जैसे ही वो इतने ड्राई हो गए, थोड़े से सूख गए, उसके बाद हमने उसको तेज आंच पर जैसे तेल गर्म करने के बाद एकदम से उसको निकाल दिया, बस डाला और निकाल दिया, बहुत ज्यादा आपने जलाने नहीं है, ज्यादा जलाने से वो आपके खराब हो जाएंगे। ये हम ले रहे हैं यहाँ पर मक्की का आटा, छान लेंगे हम इसको। वैसे तो मक्की का आटा कहते हैं गर्म पानी से गूंदना चाहिए, वो थोड़ा सर्दी में होता है, आजकल गर्मी है, तो मैं इसको नॉर्मल पानी से ही गूंद लूंगी। अभी हमारे लिए अभी जितनी मैं क्लास में यहाँ बनाने वाली हूँ उतना इनफ है यहाँ पर। रोल पीछे पड़े चार रोल जैसे। अपनी छलनी को साइड पे कर देंगे। अब हम लेंगे ऊपर तवा, तवे को हमने स्लो पे चला दिया इधर, ताकि जितनी देर हम आटा गूंदेंगे हमारा तवा भी साथ साथ गर्म हो जाएगा। और हम यहाँ पर बनाएंगे आज मक्की की पहले रोटी, और रोटी के बाद उसी के साथ ही हमने बनाना है यहाँ पर मक्की की रोटी के लड्डू। ये हमारा इसमें देसी घी जाएगा, थोड़ी चीजें मैं पहले से प्रिपेयर कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो हमने टमाटोज बॉईल किए थे उसका थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो गई है तो आप इसमें पानी यूज कर सकते हैं, पानी को हमने छान के पहले से ही रखा हुआ है, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं मक्की का आटा, मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ साथ साथ, क्योंकि मुझे बिल्कुल गरम गरम में ही घी वगैरह डालना है, तो हम अमूल का यहाँ पर घी ले रहे हैं। ये आप देख रहे हैं हमारे पास ये शक्कर है, मक्की का आटा है, यहाँ पे हमारा ड्राई फ्रूट है, और हमने कुछ सौगी यहाँ पे रखी हुई है सौगी इसमें डालने के लिए। अभी मैं इसको थोड़ी सी आपको डिफरेंट प्रेजेंटेशन का भी साथ में बताऊंगी आप और क्या इसमें कर सकते हो मक्की की रोटी में, जैसे अभी गणेश चतुर्थी भी आ रही है तो उसमें भी हम इसके साथ कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। भूपेश जी पूछ रहे हैं कि हम अनियन कैरमलाइज कितनी देर पहले करके रख सकते हैं। आप उनको एयर टाइट जार में रख सकते हो, काफी दिन चल जाते हैं, मैंने भी कल ही करके रखे हुए थे, तो आप उसमें रख सकते हो। तो अब हम इसमें घूम लेंगे अपना आटा, आटा आपने सॉफ्ट ही गूंदना है, ताकि आपकी रोटी भी सॉफ्ट ही बने, और हमने इसको गरम गरम को ही
चीनी के साथ। अगर आप सर्दियों में ये चीज़ बना रहे हो तो आप प्लीज़ थोड़ा सा गर्म पानी ले लें आटा गूंदने के लिए। ये आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर दो पेड़े का लिया आटा। आप एक बड़ी रोटी भी बना सकते हैं। एक बार हम साथ साथ ग्रेवी भी चेक कर लेंगे। इसमें जितना हम पानी डालेंगे इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा साथ में। आज मैं अपनी दादी के बर्तन मिस कर रही हूँ जिनमें वो ये चीजें बनाते होते थे। अब हमारे पास वो इस समय नहीं है तो मैं आज सुबह से उनकी चीजें मिस कर रही थी कि काश हमारे पास वो बर्तन होते तो मैं पूरा आपको वो अपनी फील लेके दिखाती। जैसे आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो हम प्लेट ले लेते हैं। आप बटर पेपर ले सकते हैं, आप सिंपल इसको नैपकिन के भी बना सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको भी बताती हूँ। थोड़ा सा हमें इसके लिए पानी चाहिए होगा। थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के हम रोटी बनाएंगे। ये पूरा हमारा पंजाबी स्टाइल है रोटी बनाने का, मक्की की रोटी। आप बटर पेपर ले सकते हैं, सिंपल आप नैपकिन जो आपके पास टेबल नैपकिन होते हैं अपने घर पे, क्लॉथ नैपकिन, उनका यूज करिए आप। आप देख रहे हैं एक सेकंड में हमारी ये चीज बन गई है। तवे पे थोड़ा सा हम घी डाल देंगे। तवा आपका तेज गर्म होना चाहिए। तब तक हम एक बार ग्रेवी अपनी चेक कर लेते हैं। ग्रेवी को मैंने सिम पे किया हुआ था, ये आप देख सकते हैं। बस हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से पकनी चाहिए और आपको फ्लेवर आना चाहिए। इसका फ्लेवर आ जाएगा, आपकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, आपकी पूरी वेजिटेबल्स इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे अच्छे से। अब हम इसको थोड़ा सा तेज पे कर देंगे क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, थोड़ा फास्ट करेंगे हम। बस हम तवे की वेट कर रहे हैं, तवा गर्म हो जाए हमारा। और साथ ही हम इसमें यहाँ पर ये हम थाली लेने वाले हैं, इसी थाली में हम सब कुछ मिक्स करेंगे। इसमें ड्राई फ्रूट मिक्स करेंगे सब कुछ। तवा हमारा गर्म हो चुका है। उषा जी पूछ रहे हैं कि कैन वी यूज बेलन अगर हम हाथ से नहीं बना पा रहे। मक्की की रोटी वैसे बेलन से बनती नहीं है मैम, बहुत पतली और सूखी हुई बनेगी फिर वो आपकी, क्योंकि उसमें आपको आटा भी लगाना पड़ेगा। हम आटा आप देख रहे हो प्लेटफन जिसको बोलते हैं, हम कहीं नहीं लगा रहे हैं सूखा आटा, हम कहीं लगा नहीं रहे हैं इस पे। ये आप देख सकते हैं हमने मक्की की रोटी डाल दी है तवे पर। एवरीवन इज सेइंग कि उन्होंने एक नया स्टाइल सीखा है रोटी बनाने का आज। पंजाब में आओ आपको और बड़े स्टाइल दिखाएंगे। ये हमारी ग्रेवी भी रेडी है। बस मेरी रोटी बन जाएगी तो थोड़ी सी उसको 2 मिनट के लिए हम ठंडी होने देंगे साथ साथ।
क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं रोटी हमारी पक रही है, जब तक तब तक हम अपने राइस रेडी कर लेते हैं, जो हमें राइस चाहिए अपने डिश के लिए। इसमें हम अपने राइस डालने वाले हैं और ग्रेवी के साथ। आप चाहें तो इसमें से निकाल भी सकते हैं जो हमने डाली थी चीजें, तेज पत्ता बच्चे ऐसे नहीं लाइक करते हैं। तो क्योंकि फ्लेवर इनका आ चुका है पूरी तरह से, तो इनमें हमें जरूरत नहीं है इसमें डालने की। अब वैसे तो बिरयानी में होती हैं ये चीज़ें, कई बार बच्चे लाइक नहीं करते हैं तो आप इनको अवॉइड निकाल सकते हैं बाद में। अच्छी तरह से इसको हमने प्रेस करना है, पूरी हमने लेयर बनानी है इसकी। एक बार हम रोटी चेक कर लेंगे, आप देख रहे हैं रोटी हमारे यहाँ पर ऐसा रोटी पक रही है। मेरा डिनर भी साथ साथ रेडी हो रहा है, स्वीट डिश भी रेडी है, बिरयानी भी रेडी है। थैंक यू मम्मा। अमनदीप जी इज आस्किंग व्हिच ऑयल आर यू यूजिंग फॉर मक्की की रोटी। अभी तो मैंने मैम थोड़ा सा सिर्फ उसके ऊपर तेल के ऊपर लगाना था तवे के ऊपर, तो मैंने रिफाइंड यूज किया है। अभी हम इसमें ढेर सारा देसी घी डालने वाले हैं, अमूल देसी घी हम इसमें यूज करने वाले हैं। हमारी ग्रेवी भी ऑलमोस्ट डन है, ये आप देख सकते हैं हम साथ साथ करते जाएंगे इसमें काम, क्योंकि थोड़ा टाइम की कमी है। तो हम मैंने आगे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक मुझे होता कि प्यार से मेरे को सारी चीज़ सिखाएंगी तो उसके बाद में मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप देख रहे हैं मेरा दोनों तरफ हाथ जा रहा है, तवे पे भी जा रहा है और इधर ग्रेवी के साथ भी जा रहा है। रोटी भी हमारी ऑलमोस्ट डन है, अब हम फिर से इसमें सुब्रोतो जी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये डन है रोटी, दिस इज ऑलमोस्ट द फाइनल टेक्सचर ऑफ द रोटी। ये आप देख सकते हैं, इसको अपने तेज आंच पर ही पकाना, सिम पे नहीं करना, सिम पे करेंगे तो आपकी रोटी सूख जाएगी। रोटी हमारी हो चुकी है, जब भी आप मक्की की रोटी बना रहे हैं बीच में ऐसे कट कर दीजिए ताकि अंदर से भी रोटी में सेक लग जाए पूरे अच्छे से। वैसे आजकल तो मक्की की रोटी का मौसम नहीं है मक्की के आटे का, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से आज क्लास के लिए आटा मंगवाया था स्पेशल। राजवंत जी कह रहे हैं कि उन्होंने पॉलिथिन पे बनाई थी रोटी, पॉलिथिन को आप अच्छे से साफ कर लीजिए मैम, नहीं तो बटर पेपर पे तो आप बनाइए। ये हमारी रोटी बन चुकी है, अब मैं इसको, आपने देखा मैंने गैस को स्विच ऑफ कर दिया है, ग्रेवी भी हमारी रेडी है। ये आप देख सकते हैं हम अब रोटी को क्या करने वाले हैं, इधर अच्छी तरह से इसको कहते हैं ना चूरी, मक्की की रोटी की चूरी बना रहे हैं हम, तो उसी को हमने कैसे उसकी फॉर्म में करना है। मैं इस पे लेयर दूंगा, डाल दो तो साइड पे, मतलब तो जल्दी हो जाएगा ग्रेवी के लिए। अच्छे से डाल दे जरा, बहुत गर्म है इसको, थोड़ा हम ध्यान से करेंगे क्योंकि हम इसमें जब उसमें घी डाल देंगे, अब हम इसमें डालेंगे, अब हमारा हो गया इस पे टाइम अपना अमूल देसी घी डालने का। ये आप देख सकते हैं
इतना इसमें देसी घी चला जाएगा, क्योंकि लड्डू हैं और पूरी पंजाबी स्टाइल की हमारी डिश बन रही है तो घी तो बनता ही है। अब हम इसमें डाल देंगे साथ में शक्कर, आप इसी स्टाइल में इसी मक्के की रोटी के साथ, एक आपको मैं नया स्टाइल बताती हूं, आप इसमें मक्के की रोटी के साथ ही मोदक भी बना सकते हैं। सब कह रहे हैं बहुत ही सारा घी है ये तो। मैम लड्डू है ना, दूर से ज्यादा भी लग रहा होगा आपको, लेकिन अभी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि मुझे इसमें पूरा एब्जॉर्ब करके लड्डू तभी बनेंगे ना। आप जब बाजार से मोतीचूर के लड्डू लाते हो तो उसमें भी इतना ही घी होता है वैसे। और अभी ये बहुत गर्म है, मुझे पता है मैं इसको कैसे हैंडल कर रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी रेजिंस, इसको हम अच्छे से पहले चूरा बना लेंगे इसका। मुझे एक सेकेंड हैंड थोड़े से वॉश करना है क्योंकि मुझे इसमें ड्राई फ्रूट मिक्स करना है। तब तक आप हमारा ग्रेवी वाला देख लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे अपना ड्राई फ्रूट। घी की कोई अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी अगर आप बता सकें इसकी, घी की? मैम इट्स अप टू यू, आप कितना घी खाना चाहते हो, कितना बना रहे हो। देखो मैं इसमें पिस्ता, बादाम, काजू ये सब जा रहा है इसमें। ये आप देख सकते हैं अब हमारे पास ये प्लेट है। ये आप देख सकते हैं हमारे मक्की की रोटी के लड्डू। आप तब तक एक बारी बिरयानी पे नजर डाल सकते हैं जब तक हमारे लड्डू तैयार हो रहे हैं। ये आप देख सकते, ये थोड़ी देर में अपने आप सेट हो जाएंगे क्योंकि अभी सब कुछ बहुत गर्म है तो इसमें घी वैसे नजर आ रहा है, उसके बाद ये अपने आप सेट हो जाएंगे। अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी है फील फ्री टू आस्क। एक सेकेंड मुझे फिर से हाथ धोने की जरूरत है, बस हमारी इसकी प्रेजेंटेशन ही रह गई है। तो हमने फुलकारी बिरयानी को थोड़ा सा उस पर फूल की प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे करनी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे ये मक्के की रोटी के लड्डू रेडी हैं, आप इन पे भी एक एक रेजिन रख सकते हैं। आज हम इसकी पूरी देसी स्टाइल में ही, पूरी अपनी उसी स्टाइल में ही इसकी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बस अब हमारी रह गई है इसके ऊपर हम फ्लावर्स बनाएंगे और इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। एक बार आप शक्कर की क्वांटिटी भी बता दो, आपने कितनी शक्कर डाली है? जैसे एक चपाती अगर आप ले रहे हो तो एक चपाती में, एक हमने रोटी ली है तो उसमें आपकी 3 चम्मच शक्कर जाएगी, 3 से 4 चम्मच। अब हम इसकी करेंगे प्रेजेंटेशन। ये आप देख सकते हैं हम इसके फुलकारी पे अपने फूल बनाने वाले हैं। आप इसमें रेड कलर के टोमेटोज अगर लगाने हैं तो टोमेटोज के भी फ्लावर्स बना के रख सकते हैं।
लेकिन टमाटर इसमें कोई कच्चे खाएगा नहीं, तो क्योंकि ऑलरेडी टमाटर हमारे ग्रेवी में हो चुके हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें टमाटर यूज़ नहीं किए हैं। आप पतले पतले छोटे स्लाइसेस टमाटर के भी काट के प्रेजेंटेशन के लिए कलर के लिए रख सकते हैं। ये हमारे यहाँ पर हैं अनियन लच्छे, ये हमारा इसमें जा रहा है थोड़ा थोड़ा धनिया, चॉप धनिया, आई होप सभी को मजा आ रहा है हमारी पंजाबी स्टाइल की थोड़ी सी रेसिपी देख के। मुझे लगता है सबसे ज्यादा कमेंट्स इस बात के आए हैं कि हर चीज में कलर्स बहुत अच्छे आए हैं। थैंक यू। अब आप देख सकते हैं ये हमने अमूल का ही पनीर लिया था, अमूल के पनीर को हमने हल्का सा फ्राई किया यहाँ पे। अगर आप फ्राई नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, अगर आप बिरयानी में भी एज इट इज पीसीस डाल सकते हैं वेजिटेबल्स के साथ, तो पनीर के भी डाल सकते हैं। ये देख रहे हैं आप हमारे फूल आ रहे हैं इस पे। अब हम इसमें डालेंगे एक एक कॉर्न, मटर, ये आप देख सकते हैं ये हमारे पूरे फूल बन रहे हैं इस पे। आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन मुझे आज थोड़ा सा अपना इस हिसाब से प्रेजेंटेशन करनी थी, क्योंकि वैसे हम बहुत ही फैंसी सी प्रेजेंटेशंस लेके आते हैं अपनी क्लास में। और सारे हमने आप देख रहे हो एडिबल चीजें यूज करी हैं इसमें, नेचुरल से हमने कलर्स इसमें यूज किए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे अपने ये जो हमने क्रिस्पी रखे हुए थे, ये पूरी इसकी शीट बिछा देंगे हम इस पे। कैरमलाइज अनियंस, आप देख रहे हैं हमारा डन है सब कुछ। अभी बस हम एक बार मक्की की रोटी के लड्डू की थोड़ी सी ऊपर ड्राई फ्रूट और डाल देंगे। ड्राई फ्रूट, चलिए जी वी आर रेडी विद आवर डिशेस। आई होप सबको हमारी डिशेस पसंद आई हैं। आप ये देख सकते हैं पूरा हमने इसको स्टाइल भी यहाँ पे पंजाबी स्टाइल किया हुआ है। हमने पूरी यहाँ पर आज चारपाई भी एक रखी हुई है अपने डिश के लिए, और ये हमने रखा हुआ यहाँ पर पूरे ढोल जो हमारे पंजाब की शान है, इसके बिना तो हमारा भांगड़ा कुछ भी पूरा नहीं होता है। पूरी मस्ती के साथ हम लोग इंजॉय करते हैं इन चीजों को। ये हमारी फुलकारी, फुलकारी बिरयानी आपके पास रेडी है। आई होप सबने इंजॉय किया। ये हमारी मक्की की रोटी के लड्डू बहुत ही ट्रेडिशनल देसी स्टाइल के साथ, और बहुत ही इजी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हमने इनको बनाया है यहाँ पर। और ये जो हमारी बिरयानी, इसमें थोड़ा सा कुछ और भी ऐड कलर कर सकते हैं, आप चीजें ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस की, वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं। आई होप सबने हमारी रेसिपी को इंजॉय किया, पूरे हमारे पंजाबी स्टाइल को इंजॉय किया, क्योंकि पंजाबियों की शान वकरी कहते तो है ने, लेकिन आज किसी शायद देख भी लिया हुआ है साढ़े सारा दिन जो अमूल के पेज से ट्रेडिशनल रेसिपीज ही रही ने। बाकी भी सारे शेफ्स आज जिन्हें भी लाइव सेशन लेके आए, सभी अपनी डिशेस पूरी पंजाब से जुड़ी डिशेस को लेकर आए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी के लिए मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अमूल का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम ऐसा कुछ अपने पंजाबी विरासत को, पंजाबी ट्रेडिशनल रेसिपीज को आप लोगों के साथ साझा कर पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैंने तो बहुत इंजॉय किया, और मैं तो यही चाहूंगी कि आप प्लीज हमारी ये रेसिपीज ट्राई करना, और हमारे शेफ कला के पेज को भी टैग करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कि तभी हमें लगता है कि हाँ हम कुछ आपने हमने कुछ सिखाया तो आपको वो चीज अच्छी लगी, तभी हमें अच्छा लगता है। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।
ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।